Hey, how's it going everyone? My name is Maripa और आज हम लोग Minecraft के अंदर दोबारा से बहुत सारे myths bust करने वाले हैं। Yes guys, last video जब मैंने इस topic के ऊपर upload करी थी, तो इस video में मैंने तुम लोगों को बोला था कि भाई मुझे comment section में तुम लोग बहुत सारे myths वगैरह बताओ, जो तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे test करूँ Minecraft के अंदर। और guys मैंने बहुत सारे comments पढ़े और बहुत सारे comments के अंदर से मैंने कुछ यहाँ पे shortlist किया, कुछ बहुत ही ज्यादा interesting। तो सबसे पहला myth जो guys आज हम लोग यहाँ पे bust करने वाले हैं, वो है guys Chaos and Elytra के साथ। So guys, according to the myth, हम लोग यहाँ पे काओस के साथ एक इलाइट्रा का लॉन्चर बना सकते हैं। मतलब गाइस कहने की बात यह है कि काओस से आज हम लोग यू करके हवा में उड़ के जा सकते हैं। अब ये चीज सुन के तो गाइस मेरे को इम्पॉसिबल लग रही है, बट इसको टेस्ट करने का समय आ चुका है। और सच्ची बताऊं गाइस, इसको टेस्ट करने के लिए हूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैन। तो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो गड्ढे करने हैं। यहाँ पर हम लोगों को 23 काओस को स्पॉन करना है, 23 काओस को, 7, 8, 9, 10, 22, 23। अब 23 काओस यहाँ से अंदर आ चुके हैं गाइस। एंड अब जैसे इसके बीच यहाँ पे छलांग मारूंगा नीचे, तो मैं हवा में उड़ जाऊंगा गाइस। वैसे तो कैसे मैं तुम लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये काम नहीं करने वाला यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल इन माइनक्राफ्ट। बट गाइस इन एनी केस, अगर गलती से भी काम कर गया, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी के सभी लोग लाइक जरूर करना, बिकॉज आज स्मार्टी पाए एक बहुत ही तगड़ा फ्लाइंग हैक माइनक्राफ्ट के अंदर या तो बस्ट करने वाला है या तो कंफर्म करने वाला। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन मैन। चल भाई, चल बेटा यहाँ से अंदर, चल बेटा यहाँ से अंदर। ओ, मैं उड़ा, मैं हवा में उड़ा था। अरे मैं उड़ के बाहर आया हूँ अभी। What? What? Are you serious? गाइज मैं बस एक काम करने वाला हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पूरा का पूरा आर्मर पहन देने वाले हैं, और अब एक बार अंदर जाके उड़ने की ट्राई करते हैं। Oh my God, मैं उड़ चुका हूँ। What the heck? What? भाई मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो, मैं चीख नहीं सकता इस वीडियो में। मैं बहुत जोर से स्क्रीम करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली में चीखना चाहता हूँ यहाँ पे खुशी के मारे। ब्रो दिस एक्चुअली works guys, oh my god, इस खुशी पे guys, इस वीडियो पे guys 200k likes complete कर लो man। मैं इसी टाइप के और बहुत epic myths यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जो कि हम लोग साथ में बैठ के bust करेंगे तो confirm करेंगे। oh my god, मेरा दिन बन चुका है भाई, I mean दिन नहीं बनी है, मेरी रात बन चुकी है। रात के 12:03 पे मैं literally इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ पे यार। I'm so happy यार right now guys। अगला वाला जो हमारे यहाँ पे मिथ है ना, उसमें मुझे इस कमांड की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक अंडे की जरूरत पड़ने वाली है। और तुम लोग मेरी इन्वेंटरी पे गाइस नजर माना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंडे मेरे पास यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहले अंडे को गाइस हम लोग रखेंगे यहाँ से नीचे, और देखो गाइस यहाँ पे जब मैं इस अंडे के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये गायब हो जाता है और कहीं ना कहीं और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसको अभी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, तब भी ये यहाँ पर हो जाता है टेलीपोर्ट। दिस मीन्स गाइस, जैसे मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे माइन कर रहा हूँ ना, हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से अंडे को माइन नहीं कर सकते हैं ड्रैगन के, किसी भी तरीके से माइन नहीं हो सकता ये। ओके गाइस, बट गाइस जो अगला हमारा मिथ है वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे अंडे को लेकर जाएंगे समुद्र के बॉटम में, तो हम लोग इसको माइन कर सकते हैं। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है इस चीज के लिए भाई। ये इतना खतरनाक मिथ है ना भाई, जिस बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था ना, अगर मुझे वो कमेंट दोबारा से मिला गाइस, आई एम सो सॉरी यार, ये एक्चुअली में वो जो वीडियो थी हमारी 2 महीने पुरानी है, मैंने पहले ही लिस्ट बना दी थी। अब कमेंट्स का मिलना इम्पॉसिबल है, 7-8 हज़ार कमेंट्स उस वीडियो पे। बट अकॉर्डिंग टू दैट गाय, हम लोग इसको माइन कर सकते हैं। मैं अगेन तुम लोग को बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता गाइस। बट स्टिल अगर हो गया, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बिकॉज हिमलैंड्स के अलावा और बहुत एपिक वीडियोस इस साल मैंने डालनी है इस चैनल पे भाई। किसी भी तरीके से अपनी ऑडियंस को खुश करना, बट साथ साथ में काम करते हैं, इस अंडे को भी तोड़ना स्टार्ट करता हूं मैं। भाई ये टूटा, व्हाट अगेन, एक और बार करूंगा इसमें। देखो ये टूटेगा और जाएगा मेरी इन्वेंटरी में आता है, ये टूटा भैया, ये देखो सामने यहाँ पे तैर रहा है ये पानी के अंदर। हम लोग यहाँ पे अंडे को माइन कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अंदर इम्पॉसिबल है। दिस मिथ इज कंफर्म्ड गाइस, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इतने सारे सब्सक्राइबर्स आज मैं गेन करने वाला हूँ यहाँ पे यार। भैया जिस भी बंदे ने वो कमेंट किया था, हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू यू। ऑलराइट गाइस, तो जो हमारा थर्ड मिथ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दैट मिथ, अगर हम लोग गाइस यहाँ पे TNT फोड़ते हैं ना, तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, जब भी हम लोग TNT माइनक्राफ्ट के अंदर फोड़ते हैं, तो सारी की सारी आइटम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द मिथ, अगर हम लोग नेदर स्टार को, जो मेरे हाथ में नेदर स्टार दिख रहा है अभी, अगर हम लोग इसको TNT के सामने फोड़ते हैं, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। आई मीन भाई जितने भी मिथ अभी तक मेरे सामने आए हैं ना, मुझे सारे लगे कि फेक होंगे, एंड मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये वाला भी फेक हो सकता है। बट अभी तक का जो गाइस पास्ट रिकॉर्ड हमारा रहा है ना,
मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे फेक नहीं होगा, ये फेक यहाँ पे नहीं होगा भाई। तो क्या करने वाला गाइस मैं यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, एक इसको फेंक देते नीचे आसपास, ऑब्सीडियन भी फेंक देते हैं, ये भी फेंक देते हैं, ये भी फेंक देते हैं, एक ये भी फेंक देते हैं और एक नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी फेंक देते हैं। नेदरराइट तो जितना मुझे पता है गाइस कि ये नहीं होता डिस्ट्रॉय, बट क्या बाकी के सामान बचेंगे अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले फाउंड आउट। ओके ये यहाँ पे नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी गई बट ये हवा में उड़ के साइड में चला गया। ब्रो आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? इसको तो भाई एक और बार यहाँ पे टेस्ट करना बनता है। लो नेदरराइट के बूट निकालूंगा इस बारी, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा, इसको करेंगे एक्टिवेट एंड देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है अभी जरा देखेंगे। ओ माय गॉड, नेदर स्टार इज अनफटेबल, ये फट ही नहीं सकता भाई टीएनटी के बीच में यार। ओ माय गॉड ब्रो, दिस मिथ इज ऑल्सो कंफर्म्ड, बहुत ही एपिक था भाई ये भी। ऑलराइट गाइस, तो जो हमारा अगला मिथ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंड रॉड्स का इस्तेमाल करके ना यहाँ पर गाइस वन वे, तुम लोग बोल सकते हो कि वन वे बना सकते हैं किसी भी रूम के अंदर जाने का, लाइक किसी भी कमरे के अंदर जाने का, एंड कोई भी ज़ॉम्बीज वगैरह हमको फॉलो नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर गाइस तुम लोग यहाँ पर मान के चल लो उस घर के अंदर भाग रहे हो ज़ॉम्बी से और तुम लोगों ने दरवाजा खोला और तुम लोग भाग गए, तो ज़ॉम्बी दरवाजा खोल के अंदर आ सकता है, दरवाजा तोड़ कर भी अंदर आ सकता है। माइनक्राफ्ट के अंदर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ सकते हैं बाय द वे, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है स्टार्टिंग में। बट अगर तुम लोग यहाँ पे एंड रॉड्स का इस्तेमाल करोगे गाइस तो सी तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट अंदर भाग के जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही सी, बहुत ज्यादा आसान है, दरवाजा खोलने की जरूरत ही पड़ती कुछ भी नहीं। बट ज़ॉम्बीज वगैरह अंदर नहीं आ सकते हैं, सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है बट यही है गाइस यहाँ का मिथ। एंड ऑनेस्टली बताऊं गाइस मैं तुम लोगों को, आई एम थिंकिंग कि दिस इज फेक, ये फेक है, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है मेरे को, बट लेट्स ट्राई दिस। ओके यहाँ पर मैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज वगैरह निकालने वाला हूँ, इनफैक्ट छोटे छोटे ज़ॉम्बीज भी निकालते हैं बहुत सारे। एंड अभी एक काम करेंगे यहाँ पे हम लोग आएंगे सर्वाइवल में, सारे के सारे ज़ॉम्बीज मेरे पीछे आएंगे और चलो यहाँ से अंदर। या ओ ओ ओ व्हाट, ये लोग यहाँ से अंदर नहीं आ रहे हैं। सी मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, एक और बार टेस्ट करना बनता ब्रो, ये तो बहुत ही ज्यादा एपिक चीज है भाई, इसका तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो ये लोग सारे मेरे पीछे आ रहे, आजा 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 मेरे चौतू चौतू आजा चौतू, आप आजा मेरे पीछे आजा आजा ना भाई, क्या हो गया, आजा अंदर गाइस, दिस मिथ इज कंफर्म्ड। और अगर तो जो अगला हमारा यहाँ पे मिथ है वो कहता है कि जो व्हाइट ट्यूलिप है ये लोग यहाँ पे, जिसका कलर व्हाइट है ऑफकोर्स, ये हम लोगों को व्हाइट डाई नहीं देता है। तो इतना मुझे पता है कि व्हाइट डाई हमको मिलती है बोन मील से, बट व्हाइट कलर का जो हमारा ट्यूलिप है ये हमको कौन सी डाई देता है यहाँ पे, लेट मी चेक, लाइट ग्रे डाई। व्हाट, ये सेंसिटिव बनाती भाई कोई भी चीज यार, हाउ इज दिस पॉसिबल डूड, व्हाइट कलर का फूल हम लोगों को व्हाइट डाई नहीं देता है, क्या पीले कलर का फूल हमको पीली डाई नहीं देता? देखो पीले कलर का फूल हमको पीली डाई देता है भाई, हेलो। और देखो यहाँ पे लाल कलर का फूल हमको लाल कलर की डाई देता है, बट व्हाइट कलर का फूल हमें व्हाइट की जगह पे लाइट ग्रे कलर की डाई देता है भाई, ये सेंस कैसे बना रही है? दिस मिथ इज ऑल्सो कन्फर्म्ड यार, मिथ के अकॉर्डिंग व्हाइट ट्यूलिप हमको व्हाइट डाई नहीं देता है और वही होता है भाई, सो दिस मीन्स मिथ कन्फर्म्ड मैन। Alright guys, तो जो अगला हमारा मिथ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट मिथ हम लोग यहाँ पे स्नो बायोम के बीच में हम लोग यहाँ पर एक विदर को स्पॉन नहीं कर सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू देम हम लोग विदर को स्पॉन ही नहीं कर सकते हैं स्नो बायोम के अंदर। ये चीज मेरे को एक्चुअली में लग रहा है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम लोग विदर को कहीं भी स्पॉन कर सकते हैं भाई, हेलो कहीं भी कर सकते हैं, हो जा स्पॉन। व्हाट ये ब्रो, और मे बी आई नो यहाँ पर क्या हुआ है सीन अभी, इसको तोड़े एक बार यहाँ पे। ओके हो सकता है कि इस स्नो की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई कांड हो चुका हो, इसको मैं एक बार हटाता हूँ जरा पूरा का पूरा, एंड अगर मैं इसको पूरे के पूरे तरीके से हटाऊंगा तो शायद अभी स्पॉन। यस एग्जैक्टली गाइस, यहाँ पे हम लोग विदर को एक्चुअली में स्पॉन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो स्नो की वजह से होता है। तो गाइस मैं बोलूंगा काइंड ऑफ ये जो हमारा मिथ है ये बस्ट हो चुका भाई, बस्ट। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मिथ हम लोग स्नो बायोम में विदर को स्पॉन नहीं कर सकते, बट एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं, वो स्नो की वजह से होता है आसपास। आई गेस जो ये स्नो होती है ये एक ब्लॉक का काम करती है, तो आसपास इसको हटाने की जरूरत पड़ती है, तो मे बी दैट इज द रीजन मैन। सो गाइस अगला वाला जो हमारा मिथ है अकॉर्डिंग टू दैट, देखो उसको बताने से पहले मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक टीएनटी को नीचे फोड़ते हैं तो जब भी हम लोगों के ये जो क्रीपर्स है ना, जब ये मरते हैं ना गाइस यहाँ पे, तो ये यहाँ पर क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग नीचे जाएंगे तो चेक दिस आउट। यहाँ पर गाइस बहुत सारा हमारा आया, सिर्फ और सिर्फ गन पाउडर, 28 गन पाउडर्स। लेकिन गाइस अगर हम लोग
चाहे तो हम लोग यहाँ पे इनके अंदर से निकाल सकते हैं बहुत सारा म्यूजिक डिस्क। ये चीज सुन के काफी अजीब लगा कि भाई ये जो क्रीपर्स है ये लोग यहाँ पे म्यूजिक डिस्क वगैरह क्यों छोड़ेंगे। आई हैव नो आइडिया बट अकॉर्डिंग टू अमित हम लोग ये चीज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बस एक यहाँ पे स्केलेटन पैदा करना है एंड इसकी ना बिल्कुल सामने रेंज पर यहाँ पर गाइस मैं लगाने वाला आग। ओके यूं करके तो अगर मैं यहाँ पर अभी सामने के लिए खड़ा हो जाऊंगा इधर के लिए बट आई वांट टू कम इन सर्वाइवल मोड, तो आजा भाई आजा बीमार मार मेरे को शाबाश मार मेरे को शाबाश। अरे भाई कितना अंधा है ये, मेरे को मार नहीं पा रहा है, मार तो दे। हाँ ये है जो मेन चीज है गाइस, ये जब यहाँ पे मेरे को मारेगा तो आग छोड़ेगा एंड अगर इसकी आग गलती से भी इस TNT को लग जाए और स्केलेटन की वजह से गाइस अगर ये लोग सारे के सारे नीचे मरे तो यहाँ पे म्यूजिक डिस्क्स पैदा हो जाएगी। सुनने में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है बट गाइस यही सच्चाई है शायद से। आजा 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 मार मेरे को शाबाश शाबाश शाबाश, अंधा नहीं है तू शाबाश, अंधा नहीं है तू शाबाश, अंधा नहीं है तू शाबाश, मार 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 देना भाई, हेलो मार देना भाई, मार देना भाई, कमन 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 ले आजा मैंने और जला देखो, शाबाश शाबाश कमन कमन कमन। नहीं TNT को नॉर्मल नहीं मारना है, आग जला के मारना TNT। अबे यार TNT को मार आग जला के, ये कितना अंधा है ये। यस ओके नाउ लेट्स सी गाइस, नाउ लेट्स सी गाइस, जैसे ये फटेगा व्हाट 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 How is this possible? How the hell is this possible, dude? Dude, how the hell is this possible? हैं? ये तो मेरा पूरा भरा हुआ है अंदर, देखो मैंने वहाँ पे कितनी सारी ऑलरेडी जला भी दी है। Guys, this myth is confirmed. अब भाई तू भी मर जा यार, तेरा भी कोई काम नहीं है जिंदगी में अभी यहाँ पे, ठीक है? चल निकल यहाँ से। Oh my God, I am so shocked. मतलब क्रीपर्स को अगर स्केलेटन फाड़ के मारेगा तो म्यूजिक डिस्क निकलने वाले वो भी इतनी सारी भाई देखो यार। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये बहुत मस्त था यार। So guys, अगले मिथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे एक डॉल्फिन को नीचे निकालेंगे ना तो जो गाइस डॉल्फिन्स है ये हमारे सामान के साथ खेलती है, ये वाला मैं शायद कंफर्म कर सकता तुम लोगों को। मेरा सामान यहाँ पे आएगा, क्या ये खेलेगी इसके साथ? ओह यस व्हाट, ये एक्चुअली खेल रही है। ले 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 मैं और डायमंड्स वगैरह फेंकते एक बारी जरा, ये वाला मैं एक्चुअली कंफर्म कर सकता, ये एक्चुअली में गाइस हमारे सामान को ना उठा रही है, मुझे आवाज भी आ रही है लाइक टक करके आवाज आ रही है मेरे को। और देखो अभी भी हमारे सामान के साइड ही पहुंच चुके भाई। ओके मैं इसको एक बार यहाँ पे गाइस अच्छे तरीके से ये मुंह के सामने सेंटर में फेंकने वाला हूँ। कम ऑन डॉल्फिन, कम ऑन डॉल्फिन, आर यू गोइंग टू प्ले विद मी? ओ यस, सारे के सारे भाई, सारे के सारे इकट्ठे कर, देखो मुंह के अंदर ले रही है इसको ये गाइस, ये देखो वापस से थ्रो किया मेरे डायमंड्स को, कितनी क्यूट है यार, ये मेरे सामान के साथ एक्चुअली में खेल रही है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार डॉल्फिन गाइस, ये इतनी ज्यादा क्यूट है कि मैं इसका नाम क्यूटी रखने वाला, क्यूटी। आजा मेरा बच्चू बच्चू, तेरे को मैं यहाँ पे क्यूटी बुलाऊंगा आपसे, ठीक है? हालांकि मैं कभी इस वर्ल्ड में वापस आऊंगा इसके बाद, बट स्टिल इसका नामकरण करना जरूरी था यार, बहुत क्यूट है यार ये। ऑल राइट गाइस, तो जो आज का हमारा आखिरी वाला मिथ बस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, मेरे को लगता है कि ये वाला शायद से इम्पॉसिबल हो सकता है। देखो मेरे पास यहाँ पे वार्डन का स्पॉन है एंड व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं यहाँ से नीचे गाइस गड्ढा करने वाला हूँ पूरा का पूरा वर्ल्ड के एंड तक, पूरा का पूरा वर्ल्ड के एंड तक, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। ऑलराइट, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा गाइस मैंने गड्ढा कर दिया, ठीक है? यहाँ पे ये गाइस हमारी सबसे बॉटम लेयर, तुम लोग देख सकते हो इसके नीचे सीधा वॉइड है, ठीक है? नीचे गिरे तो खत्म है भाई, तो इसको मैं नीचे यहाँ पे लगाने वाला हूँ और फटाफट गाइस यहाँ से एक बार ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये तो है यहाँ से नीचे का गड्ढा, ठीक है ना? अब यहाँ से मैं जाने वाला ऊपर हमारी वर्ल्ड की जो हाइट लिमिट है वहां तक। एंड आई गेस गाइस जो हमारी हाइट लिमिट होती है वो होती है शायद से 319 ब्लॉक्स की, जितना मेरे को याद है। और मैं सोचा ऊपर तक मैं गाइस क्या करते हैं यहाँ पे कबलस्टोन लगा देता हूँ, ठीक है ना? बट अगर मैं यहाँ पे 319 की जगह पे 320 डालूंगा तो क्या होगा? नहीं, दैट पोजिशन इज आउट ऑफ वर्ल्ड, दिस मीन्स 319 ही होती है। तो यार गाइस अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं कि क्या हमारा जो वार्डन है वो यहाँ पर मैक्सिमम फॉल डैमेज को सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बिकॉज गाइस तुम लोगों को पता जरूर होगा कि जो ये वार्डन होते हैं ना इनके पास बहुत ही ज्यादा हेल्थ होती है, बट क्या ये मैक्सिमम फॉल डैमेज को कर सकता है सर्वाइव, लाइक वर्ल्ड के टॉप से वर्ल्ड के सबसे बॉटम तक जब भी ऊपर से नीचे गिरेगा क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा। बट गाइस तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है, ये आखिरी मिथ है गाइस? अगर ये कंफर्म हो गया ना भाई साहब, कृपया करके लाइक जरूर करना इस वीडियो को मैन,
अरे भाई मैंने गलत डायरेक्शन में इसको नीचे गिरा दिया। ये है भाई सही यहाँ पे एकदम यार। बट ऊपर से लेके जब ये जमीन पे गिरा बंदा सरवाइव तो कर चुका भाई, बट लेट्स सी कि जब ये बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ रुको रुको गाइस, जब मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला था कि भाई वो पहला वाला भी इम्पॉसिबल है, तो हो सकता है कि शायद से इस बार में गलत हो जाओ साबित यार। मेरे को लग रहा है ये शायद से कर देगा। बट अगर कहे इतना ज्यादा फॉल डैमेज को सर्वाइव कर सकता है तो इसका मतलब एक ही होगा कि भाई इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा हो अगर तो। ऑल राइट गाइस लेट्स गो, साथ साथ में इसी के ड्रॉप करने वाला ठीक है। और ये ज्यादा भारी भी है, मुझसे ज्यादा फास्ट जा रही है बाय द वे। एंड इसने कर दिया, इसने कर दिया। आर यू सीरियस ब्रो? बट इसकी हेल्थ कितनी होगी अभी बची हुई? आई वॉन्ट टू सी दिस मैन, देखते कितने फटके में मरता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मर ही नहीं रहा है भाई। फाइनली 10 आई गेस 12 शॉट्स से मरा है, 10 भी नहीं 12 शॉट्स। आर यू सीरियस डूड्स? इसकी इतनी ज्यादा हेल्थ होती है भाई, मेरा दिमाग चकरा रहा है अभी यहाँ पे। गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करने वाला भाई। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई और इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। एंड ऑफ कोर्स गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन कुछ और मिथ्स वगैरह बता सकते हो, एक और वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा। सो या गाइस मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम मैन, बाय बाय।